ये तो बहुत डेंजरस मछली है, पिराना। आपने देखा होगा मूवी इसके नाम से। ये है पिराना फिश। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं नासिक में और हम हैं एबीबी सर्कल के पास में। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको नासिक का फिश एक्वेरियम दिखाएंगे। तो यहाँ पे फिश एक्वेरियम ओपन हुए अभी कुछ दिन हो गए हैं, तो बहुत से लोगों ने यहाँ का ब्लॉग बनाया है। तो हम मुंबई में थे इसलिए यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाए, तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं फिश एक्वेरियम में। और ये फिश एक्वेरियम है एबीबी सर्कल से थोड़ा आगे जाएंगे, सिटी सेंटर मॉल के पहले ही आपको मिल जाएगा। ठक्कर डोम नाम का प्लेस है वहाँ पे। ये एबीबी सर्कल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और सिग्नल क्रॉस करके हम सामने ही आगे चलेंगे, तो आगे ही हमको फिश एक्वेरियम मिल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, आपको लेके चल रहे हैं हम साथ में। और ये है हमारी साइकिल, इसी साइकिल से हम चलने वाले हैं। तो अभी हम आ गए हैं गेट के सामने, देख सकते हैं गेट लगा हुआ है और यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, सिटी सेंटर मॉल के पहले ही है। नासिक अंडर वाटर टनल एक्सपो। यहाँ पे फिश टनल, एम्यूजमेंट पार्क है, शॉपिंग है, फूड कोर्ट है। टाइमिंग देख सकते हैं 4 से 10 बजे का टाइमिंग है। और ठक्कर ग्राउंड नियर सिटी सेंटर मॉल, त्र्यंबक रोड, एबीबी सर्कल, नासिक, यहाँ का ये एड्रेस है। तो गेट के अंदर आ गए हैं, यही रास्ता जाएगा अंदर। तो गाइस फाइनली आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और सामने ही टिकट मिलता है और यहाँ से एंट्री है। और पार्किंग करने का यहाँ पे है सामने ही, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज लगता है, पे करना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं, टिकट ले लेते हैं, फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का भी। हाँ, इधर एक टिकट, एंट्री टिकट। तो हमने टिकट ले लिए हैं, 100 रुपये टिकट है और 3 साल के ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लगेगा। तो चलते हैं अंदर आपको दिखाते हुए। तो यहाँ पे टिकट चेक कराना है, उसके बाद ही अंदर जाना है, जाए। तो टिकट चेक हो गया है, अंदर चल रहे हैं हम। और बहुत से लोग अंदर से घूम के आ रहे हैं। ये है मेन गेट एंट्री, बहुत ही शानदार एंट्री बनाया गया है। कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं। तो इधर से चल रहे हैं हम अंदर। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही औसम। और यहाँ पे मोबाइल लाते तो नो फ्लैश कैमरा, फ्लैश नहीं चला सकते। आ गए अंदर हम, देख सकते हैं बहुत से लोग हैं। और डोंट टच, यहाँ पे टच नहीं करना है। एंट्री कर लिए हैं, फिश देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम है इसमें। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया है, येलो पैरट। तो ये फिश का नाम है येलो पैरट। तो गाइस हम आ गए हैं फिश टनल के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मछली है उसका नाम लिखा गया है। इससे पहले हमने मुंबई का बनाया था ऐसा ब्लॉग, तो वहाँ पे मछली का नाम नहीं लिखा गया था। तो आगे चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। कोई कार्प, इसमें तो सिर्फ 2-3-4 फिश है। और इधर एसके गोल्ड, ये फिश का नाम है एसके गोल्ड। अमेजिंग, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये वीडियो क्यों लिखा है यहाँ पे, मच्छी का नाम है क्या वीडियो? वीडियो लिखा है, मछली का नाम ही होगा शायद वीडियो, क्योंकि और जगह पे तो सब नाम लिखा है। अफ्रीकन कैटफिश, ये अफ्रीकन कैटफिश है।
ये है ब्लैक मोर, ये फिश का नाम, लेकिन फिश तो बहुत कम है, टैंक खाली खाली दिख रहे हैं, कुछ गिने चुने फिश हैं यहाँ पे, बहुत ही कम है। और इधर इम्पोर्टेड कार्प, इसमें भी बहुत कम फिश है। तो और आगे चल रहे हैं वियतनाम को, ये देखिए फिश कैसा है, नाम है इसका वियतनाम की फिश है ये। रोज बार इसमें भी बहुत कमी फिश है। तो आपने देखा जितना भी फिश का टैंक है बहुत कमी फिश इसमें है। हमने मुंबई बोरीवली का बनाया था फिश टनल का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मछलियाँ थी। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सेम वहाँ पे ऐसे है, लेकिन वहाँ पे जो फिश टैंक है उसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे बहुत कम है। और ये रेनबो डाइक, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं और बहुत कम है इसमें, देख सकते हैं आप। और आगे चल रहे हैं, वाव, ये है वाइट टीन वॉइल, ये बहुत ही अच्छी लग रही है मछली, देख सकते हैं फिश कितनी सुंदर है। और ये है कॉमन कार, इसमें भी देखिए कितना मछलियाँ हैं, बहुत कम है। और आगे चल रहे हैं, अब ये है गोरा, ये फिश का नाम है गोरा, और वैसे ही बहुत ही गोरी गोरी फिश है, जैसा नाम है वैसी फिश है, और बहुत कम ही फिश है यहाँ पे। रेड पैरेट, ये रेड पैरेट है, इसका कलर देखिए रेड रेड में है, इसलिए इसका नाम है रेड पैरेट। हनी होरा, वाह कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, देखिए आप बहुत ही छोटी छोटी हैं। सिक्लेड कैसा नाम है, ये भी बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं, ये मछली का नाम है कोमट। ये तो बहुत डेंजरस मछली है पिराना, आपने देखा होगा मूवी इसके नाम से, ये है पिराना फिश। और ये है रेड जलेबी, इसका नाम है, लेकिन फिश तो रेड नहीं है ये, और दो ही फिश है इसमें। वाह ये कितनी सुंदर फिश है, इसका नाम है कबोटा टू, वेरी नाइस ऑसम। और ये है ऑस्कर, कितनी ब्लैक ब्लैक है, देख सकते हैं आप। फुल ब्लैक, वाह सिल्वर टीन क्वाइल, जैसा नाम है वैसी फिश है, सिल्वर नाम से है और इसका कलर भी सिल्वर टाइप का है। जेब्रा टिलोप क्या नाम इसका, देख सकते हैं जेब्रा के जैसा इसका शरीर है, देख सकते हैं कलर कैसा है। बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ देखिए कितनी छोटी छोटी फिश है, बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी है, इसका नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पे। और ये है शार्क, बहुत ही फेमस फिश है ये, शार्क है, शार्क देख सकते हैं, वाह नाम पढ़ सकते हैं कितना बड़ा नाम है इस फिश का। और साइड में है छोटी छोटी सी, उतना साफ नहीं दिख रहा है। ये है जयंत गोरा, गोरा जैसा नाम है वैसे गोरी फिश भी है। एक इधर है, इसमें तो ही नहीं है, ये भी जलेबी ब्लैक ही सही है, ब्लैक में है। क्या चल रही है,
अभी देखिए कितना पब्लिक है यहाँ पे। अभी इस तरफ आ गया है टनल, अभी इसके अंदर चलेंगे, आपको फिर टनल दिखाएंगे। अभी तक हमने आपको जो दिखाया ये तो ट्रेलर था, अभी मेन आ गया है फिश टनल, उसके अंदर चलेंगे। ऊपर ग्लास लगा हुआ पूरा, आपको फिर दिखेगा चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। वाह वेरी नाइस, ये देखिए फिश टनल कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आपने हमारा बोरीवली मुंबई का देखा होगा व्लॉग, तो आपको पता ही होगा कितना अच्छा लगता है इसके अंदर। रंग बिरंगी पिज़्ज़ा आपको दिखने को मिली, और इधर भी एक है। ये देखिए कैसे पानी पी रही है, पानी पीते हुए आप देखिए इसको। और ये फिश तो जैसे सो गई है, देखिए हिलडुल नहीं रही है। और इधर देखिए एक इधर कितनी बड़ी सी है, सब इधर इकट्ठा हो गए। और ये टनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। और इस तरफ देखिए वाह कितनी ज़्यादा फिश है एक ही जगह पे सब। तो देखिए हम फिश टनल के अंदर आ गए, कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब लोग फिर सो रहे हैं, ये भी सो रही है। वाह यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ हैं। अभी पहले आपने देखा था इतना मछली नहीं थी, और इस तरफ ज़्यादा ही है। और ये है सो रही है। तो हमें एक भाई मिल गए हैं यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या कैसा लगा यहाँ का फिश आपको? सब अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट फिश है। नाम पता है क्या आपको? नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वाह वेरी नाइस। तो बाहर हम लोग निकल गए टनल से, और यहाँ पे देखिए दो रंग बिरंगी फिशें कितनी अच्छी लग रही हैं। अब आ गए बाहर, तो आ गए हैं बाहर फिश टनल से, बहुत ही अच्छा लगा देख के। अभी यहाँ पे बाहर मेला लगा हुआ है, तो आपको मेला भी दिखाएंगे यहाँ का। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है, तो क्या क्या है आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो बाहर से जैसे ही आप निकलेंगे आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी, और यहाँ पे मेला लगा हुआ है, झूला भी है। और इधर
बुक फेयर है, तो आपको बुक पसंद है पढ़ना तो यहाँ से बुक खरीद सकते हैं। देखिए रेट लिखा हुआ 100 रुपये पर केजी, तो अंदर जाके देख सकते हैं। इधर बच्चों के लिए सब खिलौने हैं और अंदर जाएंगे तो शॉपिंग कर सकते हैं। बैग है और भी बहुत सारे आइटम हैं। फूड कोर्ट है यहाँ पे, ये सब देखिए। यहाँ पे 30 रुपये का सेल लगा हुआ है, कोई भी आइटम मिल जाएगा आपको 30 रुपये में। तो आपने देखा कितना ज़्यादा यहाँ पे शॉप लगी हुई है, 30 रुपये का सेल लगा हुआ है, खाने पीने का शॉप है। और आगे चल रहे हम लोग, वहाँ पे झूला लगा हुआ, बड़ा बड़ा मेला लगा हुआ, तो वो आपको दिखाएंगे हम। और ये देखिए भाई बंदूक लेके खड़े हैं निशाना लगाने के लिए, यहाँ पे इनका शॉप है निशाना लगाने के लिए। तो यहाँ पे बाबा चाट भंडार है, चाट खा सकते हैं। और आइस गोला, यहाँ पे आइस गोला भी मिलेगा आपको खाने के लिए। ये सब बच्चों को झूलने के लिए झूला है, इस तरह बड़ा वाला झूला है लेकिन उसमें कोई झूलने वाला नहीं, इसलिए बंद पड़ा है। उसमें बेटा कोई तो डायरेक्ट पानी हो जाए। और वो देखिए कितना बड़ा झूला लगा है, वो ऐसे गोल गोल घूमता है घड़ी की तरह, हालत खराब हो जाएगी उसमें। और ये सब बच्चे वाले, ये बच्चों वाला है लेकिन बच्चे भी नहीं इसमें। ये देखिए ऐसा लगेगा कि बोट में बैठे हुए पानी में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ला सकते हैं बोटिंग कराने के लिए, राइड एक्सपीरियंस। तो गाइस फाइनली आ गए घूम के। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? आप लोग नासिक में रहते हैं अगर अभी तक नहीं आए तो यहाँ पे आ सकते हैं, 100 रुपये टिकट है। और बच्चों को ला सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपने हमारा वीडियो मुंबई का नहीं देखा है, सेम ऐसा ही है वहाँ पे, तो हमने बनाया है। वहाँ पे जो मछली थी फिश टैंक में बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के जो फिश टैंक है उसकी मछली बहुत कम है, और फिर भी अच्छा ही है। तो आप लोग आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। तो ये ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।